deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? और मैं अभी खड़ी हूँ फेमस रेस्टोरेंट ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, जिसका नाम है फूड रिपब्लिक, FR जिसे हम कहते हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा FR बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खाना खाने आते हैं और मैं भी काफ़ी बार यहाँ पे आती हूँ. तो अभी आज हम आ गए हैं यहाँ पे व्लॉग करने. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है. एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखना. और जितने भी फूडीज मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है. सो FR में ओपन हो गया है एक न्यू रेस्टोरेंट जिसका नाम है ज़ाज़ा. और अभी मैं जा रही हूँ अंदर और मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ. सो मैं बताने वाली हूँ कि और जितने भी शॉप्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, उन सब से एक यूनिक चीज़ जो है ज़ाज़ा बर्गर ने प्रोवाइड कराई है स्टूडेंट्स के लिए, जो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ. और क्या क्या वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. तो अभी फटाफट से चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है नए रेस्टोरेंट में. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. अभी अभी पे जस्ट 3rd of December को ओपन हुआ है फूड रिपब्लिक में. ओके, तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है बर्गर. आपको यहाँ पे सभी तरह के बर्गर प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो. तो सबसे स्पेशल बर्गर जो है यहाँ का वो अभी हम ट्राई करेंगे. ये सबसे पहले देख लेते हैं मेन्यू, मेन्यू में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है. तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोडेड फ्राइज़ की. तो आप देख सकते हो कितना रिजनेबल प्राइस है गाइस. चिकन मखनी फ्राइज़, मैक्सिकन चिकन सॉसेज फ्राइज़, 95 rupees ओनली. आप देख सकते हो, और वेज और नॉन वेज है ये. ठीक है, ये है नॉन वेज और ये है वेज. ठीक है, तो इधर आ जाते हैं अब हम सॉसी कॉम्बोज पे. स्प्रिंकल फ्राइज़ अगर हम बात करें तो उसमें है पेरी पेरी, तंदूरी, चिपोटले, मैजिक मसाला, जमैकन चाट मसाला एंड चीज़ फ्राइज. और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है. तो अगर हम बात करें मेन मेन्यू की, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि वेज बर्गर्स, चिकन बर्गर्स, मटन बर्गर्स एंड साइड्स हमें दी गई है. ठीक है, हमारा टोटल मेन्यू. और अब बात कर लेते हैं वेज बर्गर के में जो भी यहाँ का स्पेशल बर्गर है. ओके, जो आप ज़रूर ट्राई करिए वो है द आर्गस. चिकन बर्गर में जो स्पेशल आप यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं वो है मैक्सिकेनो. ओके, मटन बर्गर्स में है मैरीज, लिटिल लैम्ब, और साइड्स में हमारे पास फेमस जो है यहाँ का वो है जुकीनी फ्राइज. ओके, और आप ध्यान से सारे प्राइस भी देख सकते हैं इसमें. ठीक है, तो ये है हमारे दो मेन्यूज जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सो दिस वन इज पेरी पेरी पनीर बर्गर. दिस वन इज पेरी पेरी पनीर बर्गर एंड दिस वन इज क्रंची पोटैटो बर्गर. ठीक है, ये दो बर्गर्स हैं अभी यहाँ पे फेमस, जो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. और अभी मैं भी ट्राई करूँगी और फिर आपको उसके बाद अच्छे से बता पाऊँगी कि मुझे क्या अलग लगा और रेस्टोरेंट्स के बर्गर से यहाँ पे. ओके, अगर हम बात करें ड्रिंक्स की, तो अभी ज़्यादातर ड्रिंक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिलेंगे ड्रिंक्स की. यहाँ पे अभी जो अवेलेबल है वो है एप्पल पियर, पीच पियर एंड ब्लूबेरी. ठीक है, ऑफर है स्टूडेंट्स के लिए. मतलब कि आपको यहाँ पे तीन चांसेस मिलेंगे, उसमें से अगर आप
एक भी हिट कर देते हैं तो आपको पेरी पेरी फ्राइज जो है फ्री में मिलेगा। दैट्स अमेजिंग। और एक और चीज़, आपको ये टाइल्स यहाँ पर दिखनी होगी, ठीक है, 1, 2, 3, 4 फोर्थ टाइल पर खड़े होके मीन यहाँ से आपको वहाँ पे हिट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो यही गेम है जो इस रेस्टोरेंट को बाकी रेस्टोरेंट से अलग करती है। यही यहाँ की सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। मतलब आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, बिल्कुल आसपास। हारते हुए प्रेरणा दी। सो देखा भी आपने, काफी मजा आया मुझे ये गेम खेलकर। और आप लोग भी यहाँ पे जरूर आइए और ये गेम खेलिए और पेरी पेरी फ्राइज फ्री में ले जाइए। लेकिन 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 ये चांस ओनली आपको पर ऑर्डर पे ही मिलेगा, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे, मेरे साथ आरजू भी है, हम दोनों ट्राई करेंगे यहाँ की जो सबसे स्पेशल बर्गर है, ठीक है। तो अभी हम पूछते हैं इनसे और ये हमें क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सा बर्गर हमें ट्राई करना चाहिए, वेज और नॉन वेज दोनों। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सैनिटाइजर भी रखा है अपने रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने। तो सबसे पहले आप ये लगाइए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम भी सबसे पहले इसको लगाएंगे और उसके बाद तो आपके रेस्टोरेंट ज़्यादा स्पेशल जो बर्गर्स हैं वो कौन से हैं? वेज में मैम जो सबसे हमारा फेमस है वेज में, वो है द आर्गस। ओके, द आर्गस, आर्गस वेज में। और चिकन में मैम मैक्सिकन, मैक्सिकन में जो बहुत फेमस है। और मटन में मैम मेल्स ले। तो अभी आप ये तीनों बर्गर्स जो हैं हमें टेस्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी से ये तीनों बर्गर्स लेकर आइए और हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे अपने फ्रेंड्स को कि कैसा टेस्ट है और क्या है। So, सबसे पहले आ गए हमारे पेरी पेरी फ्राइज, हमने ऑर्डर किए थे। तो आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुली तरीके से इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे फ्राइज़ डाले हैं और यहाँ पे ऊपर इन्होंने सॉस का ऑप्शन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सॉस मिली है हमें, फटाफट से ट्राई करते हैं, मुँह में पानी आ रहा है देख के। And it looks yummy, I'm telling you. तो हम try कर रहे हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हैं। बहुत ज़्यादा tasty, उसे रुका नहीं जा रहा है, आप देख सकते हो। और quantity की बात अगर हम करें तो बहुत अच्छी quantity में है, ठीक है, 50 rupees में, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया है हमारा वेज बर्गर द आर्गस, ओके। और गाइज आप पैकिंग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने पैक करके दिया है और वाइट सॉस के साथ, ठीक है, साथ में नैपकिन है और ऊपर लिखा गया है ज़ाज़ा बर्गर। तो सो अभी हमारा पहला ही बर्गर ख़त्म नहीं हुआ था कि दूसरा भी आ गया है जो कि है चिकन बर्गर। बर्गर सर चढ़ के बोल रहा है। ओके, ओपन इट। तो ये हमारा चिकन बर्गर जिसका नेम है मैक्सिकनो। ओके, अभी इसको हम ओपन करेंगे और टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये रहा हमारा मैक्सिकनो बर्गर। पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप साइज़ देख लो यार बर्गर का, मस्त, ठीक है।
टेस्ट भी बहुत अच्छा है और मेयोनीज पर मतलब दिल खोल कर डाली है सब कुछ, चीज़ वगैरह फिलिंग सब कुछ दिल खोल के डाली गई है, देख सकते हो आप अंदर. क्या हो गया, अब खाया नहीं जा रहा? या ये साइज में इतना बड़ा है कि दो बंदे इसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? पर अकेले बंदे के बस की बात नहीं है. आई डोंट नो बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो ये नहीं खाया जा रहा क्योंकि आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है? उसके बाद अंदर अगर टेस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा है और अंदर काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं जिनका यूज़ किया गया है और मतलब टंग के ऊपर बहुत सारा टेस्ट आ रहा है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का, बहुत ज़्यादा यम्मी लगा है, बहुत ज़्यादा. मैं ट्राई करती हूँ इसको ख़त्म करने की अगर मुझसे होता है. हमें ये बर्गर जितने टेस्टी लगे कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए पैक भी करवा रहे हैं यहाँ से. और आप देख सकते हो इनके पैकिंग स्टाइल, एक ब्यूटीफुल सा छोटू सा कैरी बैग है जिसमें ये लोग पैक करके देते हैं, ठीक है? तो ये हमने पैक करवा लिया है यहाँ से, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए. और काफ़ी मज़ा आया, ज़ाज़ा सो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को, ठीक है? यहाँ पे हमने बर्गर ट्राई किया सब कुछ और बहुत यम्मी था. तो आई होप आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएंगे और ट्राई करेंगे यहाँ पे भी बर्गर. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पैक करवा लिया है. थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा है आपका यहाँ पे जो कुछ भी हमने ट्राई किया. तो जितने भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरी आज की वीडियो देखी होगी वो ज़रूर 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 ट्राई कीजिए FR के अंदर न्यू रेस्टोरेंट ज़ाज़ा रेस्टोरेंट. ओके, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत बेस्ट है. मुझे तो बहुत मज़ा आया वहाँ का फूड ट्राई करके. और या आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा. और मेरे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए और हेल्पफुल व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.